हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास एट्थ साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ देखा फोर्स के बारे में, फिर हम टाइप्स ऑफ फोर्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो पहले था कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में देखा था। कॉन्टैक्ट फोर्स दो तरह का था, द फर्स्ट इज़ द मस्कुलर फोर्स एंड सेकेंड इज़ द फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद जो था हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को डिस्कस कर रहे थे, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले हमने ग्रेविटेशन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखा था। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट तरह का फोर्स जो आज पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो ये भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली टू इक्वल पीस। एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेनी है और उसको दो इक्वल पीस में कट कर देना है प्लास्टिक स्ट्रॉ को। सस्पेंडेड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ ए टेबल विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ थ्रेड। और फिर उसके बाद क्या करना है, एक पीस उसका जो है टेबल की एज से बांध देना है थ्रेड से, है ना, किनारे से। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन यूअर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विद द शीट ऑफ पेपर। अब दूसरे जो है पीस उसको क्या करना है, आपके हाथ में रख कर और जो है पेपर शीट पर इसको रब करना है। ब्रिंग द रब एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। अब जो घिसा हुआ सिरा था उसको आपको कहाँ, जो आपने स्ट्रॉ बांधी है थ्रेड की सहायता से, उसके पास लेके जाना है। मेक श्योर डेट द टू पीस डू नॉट टच ईच अदर। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो दोनों पीस आपस में टच ना हो। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे। नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद द शीट ऑफ पेपर। दूसरी बार आपको क्या करना है, वो जो स्ट्रॉ आपने लगाई है उससे अब पेपर की शीट को उसके पास लेके जाना है। अगेन थ्रो द पीस ऑफ स्ट्रॉ डेट वॉज रब्ड अर्लियर विद द पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। वॉट डू यू ऑब्जर्व नाउ, और फिर से लेके जाना है और आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये देखो इस तरह से, है ना। एक बार आपको क्या करना है, स्ट्रॉ को स्ट्रॉ के पास लेके जानी है और दूसरे को शीट ऑफ पेपर से। अब अ स्ट्रॉ इज सेट टू बी हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद द शीट ऑफ पेपर। जब आपने स्ट्रॉ को इस तरह से रब कर दिया था तो वो क्या हो गए थे, उसमें चार्ज आ गए थे, है ना। शीट ऑफ पेपर से जब आपने इस तरह से रब किया था तो उस पर चार्ज आ गए थे। सच ए स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड बॉडी, और वो जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गई, चार्ज्ड बॉडी का। द फोर्स एक्सर्टेड बाई द चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज आर अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स जो किसी भी चार्ज्ड बॉडी के द्वारा, है ना, किसी भी चार्ज्ड बॉडी के द्वारा अनचार्ज्ड बॉडी पे या चार्ज्ड बॉडी पे लगाया जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसका सिंपल सा और एग्जाम्पल यदि है तो आप कर सकते हैं, स्केल को क्या करो, अपने बालों से रब कर लो, है ना, बालों से, ड्राई हेयर से उसको क्या करो, रब करो। और उसको थोड़ा सा रब करने के बाद जो पेपर के पीसेस आते हैं उसके छोटे छोटे से पीसेस करो और उसके पास जो है वो स्केल लेके आओ। तो जैसे ही आप स्केल उसके पास लाओगे वो पेपर पीस उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बट ये ध्यान रखना है कि बिना टच किए, दूर से ही करना है आपको थोड़ा सा, तो वो पेपर पीसेस भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया था, स्केल को भी चार्ज किया, है ना। स्केल को चार्ज करने के कारण क्या हुआ कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा उस पीस ऑफ पेपर को, तो वो अनचार्ज्ड थे। तो कोई चार्ज्ड हो या कोई अनचार्ज्ड, मतलब एक बॉडी का चार्ज होना बहुत जरूरी है। दिस फोर्स कम इन टू द प्ले इवन वेन द बॉडीज आर नॉट कॉन्टैक्ट। और ये फोर्स भी कब काम करता है, भले ही वो आपस में कॉन्टैक्ट में ना हो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयर फोर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेज इन चैप्टर 15। आप और ज़्यादा जो है चैप्टर 15 नेचुरल फिनामिना जो है उसमें जो है चार्ज बॉडी के बारे में और चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जिस तरह से मैग्नेट के अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना, एक दूसरे के अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी तरह सेम चार्ज, दो चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो जब
पॉजिटिव नेगेटिव पास आएंगे तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, बट जब पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएंगे तो रिपल्शन होगा। इसी तरह जब नेगेटिव नेगेटिव पास आते हैं तो रिपल्शन होता है। मतलब जब आप देखिएगा इस तरह में, एक बार आपको अट्रैक्शन लगेगा, जब आप स्ट्रॉ को स्ट्रॉ के पास लाएंगे तो आपको अट्रैक्शन रिपल्शन लगेगा, क्योंकि स्ट्रॉ में जो चार्ज होगा, दोनों स्ट्रॉ का मटेरियल सेम है तो दोनों का चार्ज भी सेम होगा, बट जब आप पेपर को लेके आओगे तो उस पर अट्रैक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि पेपर अलग है और स्ट्रॉ अलग मटेरियल की है, इसलिए दोनों पे चार्ज भी अलग अलग आएंगे। तो जब अनलाइक चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो अट्रैक्शन शो करेंगे, बट जब लाइक चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो रिपल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप जो आ रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो हम बहुत अच्छे से दिन रात महसूस करते हैं। सबसे ज़्यादा हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो ग्रेविटेशन फोर्स किया है। हम खड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ यूर हैंड। आपने देखा होगा जब भी आपके हाथ से कोई चीज छूटती है तो वो सीधे नीचे जाती है। लीव्स एंड फ्रूट ऑल्सो फॉल ऑफ टू द ग्राउंड। पत्तियाँ हैं, फल हैं, ये भी जब कुछ गिरते हैं तो जमीन पे आते हैं। व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो। आपको कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हुआ है, है ना? When the coin is held in your hand, it is at rest. जब coin आपके हाथ में रहता है तो वो rest में है, है ना? अब अगर न्यूटन को भी आश्चर्य नहीं होता तो ग्रेविटी का पता ही नहीं लगता। वो पेड़ के नीचे बैठा था, सुनी होगी ना स्टोरी, न्यूटन जो था वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और जैसे ही फ्रूट एप्पल उसके सिर पे आया, उसके पास गिरा, तो उसने सोचा ये नीचे ही क्यों आया, और फिर उसने ग्रेविटी की खोज की थी। मतलब हर ऊपर से नीचे, ऊपर से गिरने वाली चीज़ हमेशा नीचे की तरफ ही आती है, और वो क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए कोई सिक्का आपके हाथ में है तो वो रेस्टिंग में है। एज सून एज इट इज़ रिलीज्ड, जब तक आप उसको छोड़ते नहीं हो, और जैसे ही आपने उसे छोड़ा तो वो नीचे की तरफ जाएगा। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ कॉइन अंडर गोज अ चेंज। और वो चेंज हुआ। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब देखिए, हमने देखा था स्टेट ऑफ मोशन जो है कब चेंज होता है, जब कोई फोर्स लगता है, है ना? स्टेट ऑफ मोशन कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं। सिक्का हाथ से नीचे गिरा मतलब वो रेस्टिंग से मोशन में आ गया, मोशन में आया मतलब वहाँ कोई ना कोई फोर्स जरूर लगा है। अब वो फोर्स कौन सा है? ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट्स पुल्स देम। क्या होता है, अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और इस खींचने के कारण वो जो है ये फोर्स कहलाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और सिर्फ हम जिसे ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या अपनी तरफ खींचता है या फोर्स लगाता है। दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है ग्रेविटी का वो हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल टाइम विदाउट अवर बींग्स अवेयर ऑफ इट। हर वक्त हर ऑब्जेक्ट पे लगता है, हम इसके लिए अवेयर भी नहीं है, है ना? हम ऐसे महसूस भी नहीं करते हैं कि ग्रेविटी लग रहा है। वाटर बिगिन्स टू फुल फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन टैप। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हर चीज़ जो होती है वो अर्थ की तरफ बढ़ती है जब उसे ऊपर से नीचे लाया जाता है। देखा आपने, आपने नल खोला तो पानी कहाँ बहेगा? सीधे नीचे की तरफ, है ना? ग्रेविटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एग्जर्ट फोर्स ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दिस इज द फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशन फोर्स। अब देखिए, ध्यान रखिए कि ग्रेविटी जो है सिर्फ अर्थ का ही नहीं, हर ऑब्जेक्ट का होता है। एक छोटा सा पेन दूसरे पेन को भी अट्रैक्ट करता है, एक पेपर दूसरे पेपर को भी अट्रैक्ट करता है, हम भी दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम सब ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं, बट ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा, ग्रेविटेशन फोर्स इतना ही ज़्यादा होगा। और हम सबके कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा मास किसका है? अर्थ का है। तो हम सब पे जो ग्रेविटेशन लगता है वो किसका लगता है? अर्थ का लगता है, है ना? अगर अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, बट एप्पल की तरफ अर्थ अट्रैक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के मास के कंपैरिजन में एप्पल का साइज़ जो है वो क्या है? निग्लेजिबल है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।